हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रीति। आप देख रहे हैं एग्जाम ट्रेंड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे साइंस स्पेशल के पार्ट 12 के बारे में। ठीक है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल जितने भी एग्जाम हैं सब में साइंस से भी क्वेश्चन अच्छे खासे आ रहे हैं। ठीक है, इवन पीसीएस में साइंस से अप्रोक्स 10 क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो साइंस आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है वो स्पेशली रेलवे के लिए है। देखिए, क्वेश्चन जो बनेगा तो वो आपका जो सिलेबस है साइंस उसी से बनेगा। हाँ, ये हो सकता है कि पीसीएस में उसमें से थोड़ा हार्ड पूछ ले और रेलवे में थोड़ा इजी पूछ ले, तो बस यही होता है। तो हम लोग इजी हार्ड जो भी क्वेश्चंस हैं सबको लेके चलेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ साइंस के पार्ट 12 के बारे में। पार्ट 11 तक आप लोग देख लीजिए, साइंस का प्लेलिस्ट रेडी है। ठीक है, तो आप सभी लोग साइंस के प्लेलिस्ट में जा करके साइंस के सभी क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सबसे बड़ा फूल कौन सा है, सबसे बड़ा फूल कौन सा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, रेफ्लिशिया सबसे बड़ा फूल है। कौन सा फूल है? रेफ्लिशिया सबसे बड़ा फूल है। अब अगर हम लोग बात करें कि यह कहाँ पे पाया जाता है, तो दोस्तों रेफ्लिशिया पाया जाता है जावा के जंगलों में। जावा सुमात्रा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो कहाँ पाया जाता है? जावा के जंगलों में रेफ्लिशिया पाया जाता है। और कैसा फूल है ये? यह परजीवी है। ठीक है, ये कैसा फूल है? तो परजीवी है। अगर हम लोग बात करें इसके व्यास के बारे में, तो इसका व्यास कितना होता है? 3.5 फुट इसका व्यास होता है। ठीक है, 3.5 फुट इसका व्यास होता है। और अगर वजन की बात करें तो इसका वजन कितना होता है? 12 किलो। रेफ्लिशिया का वजन कितना होता है? 12 किलो। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सबसे छोटा फूल कौन सा है, सबसे छोटा पुष्प कौन सा है। तो सबसे छोटा पुष्प है ओल्फिया। कौन सा है? ओल्फिया सबसे छोटा पुष्प है। अगर हम लोग बात करते हैं इसी के साथ कि सबसे लंबा वृक्ष कौन सा होता है, तो दोस्तों सबसे लंबा वृक्ष होता है सिकोया का। ठीक है, सबसे लंबा वृक्ष किसका होता है? सबसे लंबा वृक्ष होता है सिकोया का। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विद्युत, बिजली के बल्ब का तंतु किसका बना होता है। बिजली के बल्ब का जो तंतु होता है वह किस धातु का बना होता है? देखिए, यही होता है तंतु। ठीक है, ये जो पोर्शन है इसी को क्या कहते हैं? तंतु। तो यह किसका बना होता है? तो यह टंगस्टन का बना होता है। बिजली के बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का। अगर हम लोग बात करें कि टंगस्टन की खोज किसने किया है, तो टंगस्टन की खोज किया था 1781 में टॉर्बन बर्गमैन ने। किसने किया था? टॉर्बन बर्गमैन ने टंगस्टन की खोज किया था। देखिए, इससे अक्सर कई क्वेश्चन बनते हैं, तो हम लोग इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं। अगर हम लोग बात करें कि इसका गलनांक क्या होता है, टंगस्टन का गलनांक क्या होता है, तो 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। टंगस्टन का गलनांक क्या होता है? 3422 डिग्री सेल्सियस। और अगर इसके क्वथनांक की बात करें तो इसका क्वथनांक क्या होता है? 5555 डिग्री सेल्सियस। टंगस्टन का क्वथनांक कितना है? 5555 डिग्री सेल्सियस। एक टर्म होता है, एक वर्ड पूछता है कि उदीप्ति क्या है, उद्दीप्ति क्या होती है। ठीक है, तो देखिए, जब टंगस्टन गर्म होता है और गर्म होने पर प्रकाश देता है, ये जो प्रकाश देता है इसे क्या कहते हैं? उद्दीप्ति कहते हैं। ठीक है, टंगस्टन के गर्म होने पर जो प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? उद्दीप्ति कहते हैं। बात करते हैं कि जब यह गर्म होता है तो इसका टेम्परेचर कितना होता है, तो इसका टेम्परेचर होता है 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस। और या इसे जितनी इसकी ऊष्मा होती है उसका 5 से 10% ही या वो प्रकाश के रूप में परिवर्तित करता है। कितना करता है? 5 से 10% प्रकाश के रूप में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं कि मस्टर्ड गैस का प्रयोग कहाँ होता है। तो दोस्तों मस्टर्ड गैस का प्रयोग कहाँ हुआ था, या रासायनिक युद्ध में इसका प्रयोग हुआ था। ठीक है, रासायनिक युद्ध में किसका प्रयोग होता है? मस्टर्ड गैस का, या एक प्रकार की जहरीली गैस है। मस्टर्ड गैस कैसी है? या एक प्रकार की जहरीली गैस है। अगर हम लोग बात करें कि इसका रासायनिक नाम क्या है, ठीक है, अगर देखिए केमिस्ट्री के टर्म में बात करते हैं तो आपको नाम दे देगा और उसका सूत्र पूछेगा, या फिर क्या जो हम लोग जिस नाम से बुलाते हैं, ठीक है, लोकल जो हम लोग नाम यूज करते हैं, जैसे मस्टर्ड गैस है। ठीक है, तो अब इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है डाई क्लोरो डाई एथिल सल्फाइड। क्या है? डाई क्लोरो डाई एथिल सल्फाइड।
ठीक है, यह एक प्रकार की जहरीली गैस है। होता क्या है, अगर इस गैस को छोड़ दिया जाए तो खुली त्वचा पर क्या होते हैं, फफोले पड़ जाते हैं। इसका प्रयोग कब हुआ था, तो इसका प्रयोग हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। इसका प्रयोग कब हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि गोबर गैस का मुख्य तत्व क्या है। तो गोबर गैस में मेनली क्या पाया जाता है, मेथेन पाया जाता है। गोबर गैस में मेनली क्या पाया जाता है, मेथेन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं कि एक कार्बन क्रेडिट किसके बराबर होता है। एक कार्बन क्रेडिट, आप लोग कार्बन क्रेडिट के बारे में सुनते होंगे, ठीक है, या जो लिमिटेशन दी गई है बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने के लिए, कार्बन क्रेडिट क्या है, एक लिमिटेशन दी जाती है। यही कार्बन है, जो लोग कम कार्बन डाइऑक्साइड का या जहरीलू गैसों का उत्सर्जन करते हैं जिन जगहों पर, वो क्या करते हैं, अपना कार्बन किसी दूसरे कंट्री को बेच देते हैं। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि जैसे कि विकासशील देश, विकसित देश, इन लोग का कार्बन का उत्सर्जन क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो जिन लोगों का कम उत्सर्जन होता है कार्बन का, वो लोग क्या करते हैं, कार्बन को बेच देते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन अभी करंट में पढ़ाया गया था आप लोगों को कि हाल ही में किस देश ने कार्बन शुल्क लगाया, कार्बन टैक्स हाल ही में किस देश ने लगाया, इसका आंसर आप लोग को देना है। ये आपको पढ़ाया जा चुका है, ठीक है, करंट अफेयर में आप लोगों को पढ़ाया गया है कि हाल ही में किस देश ने कार्बन टैक्स लगाया है। तो फिलहाल आते हैं हम लोग टॉपिक पे कि एक कार्बन क्रेडिट कितने के बराबर, किसके समतुल्य होता है। तो 1000 किलो कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य होता है। एक कार्बन क्रेडिट किसके समतुल्य होता है, 1000 किलो कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सिंदूर क्या है। ठीक है, सिंदूर क्या है, तो सिंदूर को क्या कहते हैं, मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्या कहते हैं, मर्क्यूरिक सल्फाइड। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है, मर्क्यूरिक सल्फाइड। अगला क्वेश्चन हमारा कि नील गाय किस कुल में आती है, नील गाय किस कुल में आती है। तो दोस्तों, नील गाय जो है वो हिरण के कुल में आती है। नील गाय किसके कुल में आती है, हिरण के कुल में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एल्जाइमर रोग में, अल्जाइमर एक रोग है, इसमें मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। ठीक है, अल्जाइमर रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो मस्तिष्क प्रभावित होता है। अल्जाइमर रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो मस्तिष्क। इसकी खोज किसने किया था, तो डॉक्टर ए एलोइस अल्जाइमर ने। किसने किया था, डॉक्टर ए एलोइस अल्जाइमर। नेक्स्ट बात करते हैं, रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं, रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं, जीरोफाइट्स कहते हैं। वैसे भी रेगिस्तान में इतनी गर्मी होती है कि कोई लड़ाई नहीं होती, तो इस ट्रिक से याद करते हैं हम लोग कि रेगिस्तान में जो वनस्पति पाई जाती है उसको क्या कहते हैं, जीरोफाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। ये पहले भी आता था और अभी भी यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में है। ठीक है, तो यह कब हुआ था हम लोग इसे भी देखेंगे, और किस गैस का रिसाव हुआ था ये भी देखते हैं। तो इसमें हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव। किस गैस का रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड का। और कब हुआ था, तो 3 दिसंबर 1984 को, 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है। तो दोस्तों, प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन हमारा, खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, 8 हड्डियां होती हैं। ठीक है, खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, 8। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। अब हम लोग देख लेते हैं, एक क्वेश्चन आता है कांच के रंग। ठीक है, कौन सा पदार्थ कांच को कौन सा रंग देता है। ठीक है, तो इसको हम लोग पूरा डिटेल में देख लेते हैं। गहरा नीला, कांच को अगर गहरा नीला करना है तो किस पदार्थ का प्रयोग करेंगे हम, कोबाल्ट ऑक्साइड का।
किसका प्रयोग करेंगे? कोबाल्ट ऑक्साइड का। और अगर पीला रंग देना है तो कैडमियम सल्फेट का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? कैडमियम सल्फेट का प्रयोग करेंगे। बात करते हैं कांच का हरा रंग किस पदार्थ के कारण होता है? तो सोडियम क्रोमेट के कारण। सोडियम क्रोमेट के कारण कांच का रंग कैसा होता है? हरा रंग होता है। अगला है लाल रंग का क्या कारण होता है? तो मैग्नीज डाई ऑक्साइड। क्या है? मैग्नीज डाई ऑक्साइड। चटक लाल तो क्यूप्रस ऑक्साइड के कारण होता है। चटक लाल रंग कांच का अगर हमें देना है तो किस पदार्थ के कारण होगा? क्यूप्रस ऑक्साइड। उसके बाद है नारंगी लाल, जिस जो होता है सिलेनियम ऑक्साइड के कारण। नारंगी लाल रंग कांच का किसके कारण होता है? सिलेनियम ऑक्साइड के कारण। उसके बाद है पीकॉक नीला। पीकॉक नीला तो इसमें क्या होता है? क्यूप्रिक लवण। किसके कारण होता है? क्यूप्रिक लवण के कारण। फिर है नींबू जैसा पीला, तो यह होता है कैडमियम सल्फाइड के कारण। नींबू जैसा पीला रंग किसके कारण होता है? कैडमियम सल्फाइड। देखिए पीले रंग में क्या है? कैडमियम सल्फेट है। पीले रंग में क्या है? कैडमियम सल्फेट। और जबकि नींबू जैसे पीले रंग में क्या है? कैडमियम सल्फाइड। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भूरा रंग किसके कारण होता है? तो भूरा रंग होता है फेरिक ऑक्साइड के कारण। कांच को भूरा रंग देना है तो किस पदार्थ का प्रयोग करेंगे? फेरिक ऑक्साइड। उसके बाद है रूबी जैसा लाल, तो ये होता है गोल्ड क्लोराइड के कारण। किसके कारण होगा? गोल्ड क्लोराइड के कारण। फिर लास्ट है हमारा प्रतिदीप्तशील पीला। ठीक है, प्रतिदीप्तशील पीला यह किसके कारण होगा? फेरिक लवण के कारण। ठीक है, प्रतिदीप सील पीला किसके कारण होगा? फेरिक लवण के कारण। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। आपको साइंस के वीडियो काफ़ी लेट मिलते हैं क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है, फिर भी आपको जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम्स तक आपको सब कवर करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। जो भी वीडियो, जैसे साइंस के जो भी वीडियो हैं, इन्हें आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि काफ़ी लोगों का साइंस का रेलवे का एग्ज़ाम है। ठीक है, ताकि और लोग भी इन वीडियो का लाभ ले सकें। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।